हेलो दोस्तों, इस समय हमें महाराजा सयाजी राव जो गायकवाड़ थे, जिन्होंने ये पार्क बनाया था, ये सयाजी बहुत बड़ा गार्डन है, ये है बड़ौदा के अंदर है। और अभी देखिए हम बड़ौदा में, बहुत ही खूबसूरत। सुबह सुबह हम बोले मॉर्निंग में हम कहाँ निकले, वॉक भी कर लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे और आपको भी कुछ अच्छा घुमा देंगे। तो हम आ गए सयाजी बाग, आ गए राजा जो थे सयाजी गायकवाड़, ये उनका ही बाग है, उन्होंने ही बनवाया था। और ये लगभग नहीं तो 150 साल के समथिंग हो चुका है इसका, ये बाग का। तो आज चलिए, आज हम आपको घुमाते हैं, पूरे बाग का तस्वीर भी दिखाते, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। और आज कोशिश की है कि हम आपको सुबह सुबह कुछ अच्छा दिखाए। और इसे में बड़ौदा में हम तो बड़ौदा में है तो कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए। ऐसे भी ये राजा महाराजाओं का कहते हैं ये केंद्र है। यहाँ गायकवाड़ फैमिली, राजा गायकवाड़ फैमिली बहुत लॉन्ग टाइम तक शासन किए और उन्होंने बड़ौदा को एक हिसाब से बसाया। और कहावत है कि जब यहाँ पर मुगल और मुसलमानों की कई दबदबा थी, तब उन्होंने महाराष्ट्रियन कम्युनिटी को यहाँ लेकर आए और वही ला कर यहाँ बसाए पूरा। तो यहाँ पर एक बड़े कम्युनिटी के तौर पर महाराष्ट्रियन फैमिली है, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं बड़े तौर पर, तब से उनकी यहाँ जर्नी है। और बड़ौदा में एक बहुत बड़े कम्युनिटी भी है वो, तो आप देख सकते हैं। आज हम आपको मकसद ही था कि आपको काफ़ी अच्छा दिखाए। और ये बहुत बड़ी गार्डन है, 100 एकड़ में है, ये 100 एकड़ में फैला हुआ है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी गार्डन है। देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं यहाँ पर, ये बिल्डिंगें हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम काफ़ी खूबसूरत होता है। ये पीछे जो भवन आपको दिखाई दे रहा है, ये सिटी गैलरी है। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है और चित्र हैं, जो इस सिटी के अंदर का जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका भी है, उनका ऐतिहासिक पूरा धरोहर है इस सिटी का। तो वो गैलरी के अंदर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे हम आपको घुमाने का। मॉर्निंग का टाइम है तो हर चीज़ अभी चालू नहीं है, सिर्फ गार्डन ही है अभी चालू, तो गार्डन एरिया तो हम आपको घुमा ही रहे। आप जब भी बड़ौदा विजिट करते हैं खासकर, तो यहाँ पर ज़रूर आए, मैं सब उम्मीद करता हूँ आपसे भी। हेलो दोस्तों, हम सोचे आपको गैलरी दिखाते हैं, पर अभी ऐसे ये है कि गैलरी के अंदर फ़ोटो वीडियो सेटिंग शूटिंग दोनों ही मना है, सख्त मना है। तो कोई मतलब नहीं है उसमें जाने के लिए, क्योंकि जब हमारा मकसद है आपको दिखाना कुछ और उसमें जाए और वो देखने को ना मिले और हमारे कैमरे में कैचअप भी ना हो, तो कोई मतलब नहीं उसकी। इसलिए हम बोले कि चलिए आज आपको पूरा गार्डन घुमा देते हैं। आप जब भी बड़ौदा विजिट करें तो आपको लगे ऐसा चीज़ के यहाँ घूमने लायक कुछ तो है, तो उसके लिए ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है। यहाँ का नगर पालिका ने बनाया है इसको, काफ़ी अच्छे से देख रेख किया है। तो उन्होंने कहा कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर, वीडियो नहीं ले सकते, और हमारा पर्पस यही था कि हम जाकर दोनों करें। जब ये कर ही नहीं सकते तो कोई मतलब भी नहीं है अंदर जाने का। तो हम बोले चलिए आपको घूमते हैं थोड़ा गार्डन को भी, और आपको भी थोड़ा घुमाते हैं। यहाँ विशेषकर जो सिटी के लोग हैं
जो यहाँ पर आते हैं प्रॉपर, वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं और वो लोग काफ़ी समय यहाँ पर देते भी है। तो आप जब भी अगर आते हैं तो मॉर्निंग में भी आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से ये ऐसे चालू हो जाता है, इसका टाइमिंग है म्यूज़ियम का भी। अगर आपको फिजिकली आकर यहाँ घूमना है तो आप म्यूज़ियम विजिट कर सकते हैं। हमें कैमरे से कैचअप करना था इसलिए हम नहीं कर पाए, इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जब भी बड़ौदा आते हैं आपको लगता है कि नहीं ये गार्डन जरूर घूमेंगे। सयाजी राव गार्डन ही बहुत बड़ी गार्डन है, लगभग 100 एकड़ के आसपास है इसकी पूरी एरिया। और ये देखिए बंदर के, देखिए मेरे से डर गया, इसको पता है कि मैं भी कम नहीं हूँ। पानी चालू करके पी रहा है, ये तो बहुत चतुर लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब मिल जाएंगे देखने को भी। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, बंदर है बहुत चतुर होते हैं, कहीं मार वोर ना दे गुस्से में। ज़्यादा डर रहे हो वो मेरे से, उसको कहीं ज़्यादा डर है। हाँ मैं भी बाहुबली हूँ, थोड़ा आम आदमी हूँ, बाहुबली से थोड़े कम हूँ मैं। तो बंदर भी यहाँ बहुत है, पर ध्यान रखिए इस बात का कि मोबाइल अच्छे से पकड़ के रखिए, क्योंकि उनके हाथ में आया तो ख़त्म, छीन के लेके निकल जाएंगे। इसलिए जब भी घूमें तो खुद का केयर करें। बंदर है बहुत चतुर होते हैं, कोई भी सामान अगर हाथ से खींचे तो वो गया आपका। तो बहुत बड़ी गार्डन है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। मैं आपको कोशिश करूँगा आपको अच्छा व्यू दिखे। तो हमने हाथ से ही वीडियो बनाना चालू कर दिया, क्योंकि हम बोले कि सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम है, घूमने आए हैं, उसके हिसाब से क्या ज़रूरत है उसकी कैमरे की, माइक की और सेल्फी स्टिच का, क्योंकि हम ऐसे भी इजीली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है गार्डन, बहुत बड़ी गार्डन है ये, छोटा मोटा गार्डन नहीं। आप देखिए इसमें ट्रेन चलती है, ये छोटी ट्रेन है जो पूरे गार्डन को घुमाते हैं, वो ट्रेन चलती है। आप ट्रेन का भी यहाँ सुविधा है, रॉयल कार है जो बहुत 150-200 साल पुराने कार है, वो भी यहाँ पर है, आप रेंट पर लेके भी घूम सकते हैं आप। आप ये देखिए पीछे हम बैठने की जगह है, कभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट आके बैठे हुए जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, आपको पता ही है कॉलेज कम पार्क ज़्यादा होता है आज के डेट में स्टडी लाइफ में। तो आप आएंगे तो बहुत मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पर म्यूजिक कॉन्सेप्ट है, और जो यहाँ पर लोकल हैं जिनकी उम्र छोटे से लेकर बड़े तक है, वो आपस में ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं, वो लोग गा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि थोड़ा चलिए देखते हैं इनके साथ। कॉन्सेप्ट था, और ये सब वो है जो रोड लोग हैं जिनकी उम्र 50+ है, कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं, कैसे जीवन को हैप्पी बना सकते हैं, इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। हमने एक सॉन्ग आपको रिकॉर्ड भी किया दिखाया भी, ये लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे थे। तो कहते हैं ना जीवन का जब वो पड़ाव होता है जहाँ बच्चे हमसे दूर होते हैं तब कहते हैं जीवन में हम अकेला पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ है, लाइफ पार्ट ऑफ जर्नी है, हर पल को सही से एंजॉय कैसे करें, कल्चर संस्कृति के साथ में कैसे जिए, एक जीता जागता हुआ एक उदाहरण है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम जब और प्राउड होते जाते हैं तब हमें एक चीज़ के विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने विचारों को भी नहीं थोपना चाहिए किसी बच्चे के ऊपर और यूथ के ऊपर, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उनकी भी जर्नी है। और बहुत ही खूबसूरत लगा, तो चलिए आगे हम पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं।
भी रहते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और इसके अंदर से रिवर भी निकलता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रिवर है। इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, केवल ब्रिज, और बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके अंदर। ये नदी के इस पार उस पार आने जाने के लिए ही बनाई हुई है इसका। तो जब भी आप सयाजी राव गायकवाड़ के इस गार्डन के अंदर आते हैं, इस बहुत बड़ा गार्डन है, छोटा मोटा नहीं है। आप बोला ही कि आप घूमो तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो नॉर्मली निकल जाता है आपको पूरा कैप्चर करने में। तो बहुत ही खूबसूरत है। आप जब बड़ौदा विजिट करते हैं तो मैं कहूँगा मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम, ये 2 टाइम में से कभी एक टाइम आप यहाँ पर विजिट करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में माहौल बहुत ही अनुकूल होता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। और इवनिंग में क्या है, चहल पहल बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ यहाँ बहुत होता है। तो इसके हिसाब से भी आप आ सकते हैं कि लोगों से मिलना हो, घुल मिल जाना हो, बातें करना हो यहाँ के लोगों से, तो आप इजीली यहाँ पर और एंजॉय भी कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ अकेले हो तो भी आप यहाँ विजिट करें। और काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाया है इसके अंदर में। और कुछ और है पार्ट जो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैलरी हॉल है, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए उसके अंदर नहीं घुसे हम, लेकिन पर्सनल हम देख के ही जाएंगे उसको। तो कोशिश कर रहे हैं हम आपको काफ़ी इसके बारे में अच्छे से आपको दिखा दें। ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही सिटी के बीचों बीच में है, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी चहल पहल रहता है यहाँ पर। गार्डन के अंदर घूमते हुए हमें लगभग 1 घंटे कम्प्लीट हो चुके हैं। गार्डन इतनी बड़ी है कि सारे एरिया कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। जुहू का टिकट जहाँ मिलता है हम वहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से टिकट लेकर आप जुहू है इसके अंदर बहुत बड़ा है और कई तरह के पशु पक्षी और जानवर है जहाँ हम देखने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गार्डन है तो हर तरह सुविधा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, मेरे मित्र गए हैं टिकट के लिए। टिकट लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको क्या क्या चीज़ है इसमें हम सब दिखाएँगे। गार्डन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो भी आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी खूबसूरत हरा भरा है एकदम, और शहर के बीचों बीच है तो आप सोच सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। हेलो दोस्तों, अभी हम आगे जुहू में इस गार्डन के अंदर ही है और काफ़ी खूबसूरत है। चिड़िया पक्षी एक से बढ़कर एक पक्षी है यहाँ पर, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखिए ये देखिए जो खरगोश हम घरों में पालते हैं, आप देख सकते हैं ये खरगोश है। और हमारे देखिए हमारे बैक साइड में यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, कोई प्रोग्राम होगा इनका, कोई कॉन्सेप्ट होगा उसका हो रहा है। तो आप जब भी अब यहाँ पर आए तो काफ़ी आप 2-3 घंटा आराम से 3-4 घंटे के लिए यहाँ पर आए, काफ़ी घूमने लायक है और बहुत खूबसूरत है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप आइए विजिट करिए बड़ौदा में, ख़ासकर आप जब कोई ना कोई पर्पज से आप विजिट करते हैं, स्टूडेंट हैं आप, यहाँ पर स्टडी के लिए आए तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। जुहू का जो मेन पार्ट है वो ये है जहाँ पर चीता उता सभी है यहाँ पर। तो आज चलिए हम आपको घुमाते हैं, हम कोशिश करेंगे वो फ्रंट कैमरा से नहीं बैक साइड से ही दिखाए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको अच्छा देखने को मिले। तो चलिए ठीक है, हम अंदर चलते हैं, इंटर करते हैं इसके अंदर। फ्रंट साइड से घुसे हम अंदर, लेकिन यहाँ पर बंद है, काम चल रहा है, तो उन्होंने अब बोला कि बैक साइड से आप घूम के आइए तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ काम काज की वजह से फ्रंट साइड पर इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी इधर अंदर आते हैं आप कुछ देखने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें जो आप इन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और फैमिली के साथ आप आते तो जरूर आइए गार्डन। इस गार्डन में आप आते फैमिली के साथ ना, तो इन्जॉय करने के लिए सारे सेल्फी पॉइंट है, अनगिनत फ़ोटो ले सकते हैं आप, वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं आप, और फैमिली के साथ यहाँ 2-4-5 घंटे आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये तो कहूँगा ज़रूर आप यहाँ पर विजिट करें। तो इस समय है हम सयाजी गार्डन के अंदर, जो जुहू है उसके अंदर हैं हम। और ये देखिए मगरमच्छ है यहाँ पर, मगर पॉइंट है, आप देख सकते हैं, आप लोगों को पीछे दिखाई देगा, ये देखिए मगरमच्छ है, ये बहुत बड़ी है और कैमरे में तो बहुत विशेषकर। तो चलिए आगे भी आपको घुमाते हैं। सांप, मगरमच्छ,
चीता, कई तरह के पशु पक्षी सब यहाँ पर है, सेपरेट है। आप घूमने भी अगर आप आते हैं तो आपको कई चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर घूमने का। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती बहुत जून है, 150 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इसका, तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी ये पुराना गार्डन है। सेम सयाजी राव ने बनवाया था इसे, और आज है कि यहाँ के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेस में से एक है, तो मैं इसीलिए बोला कि आप आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ घूमने भी। आप अगर यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं आप तो बहुत एंजॉयफुल है, टाइम पास हो जाएगा आपका, बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है, चिड़ियाघर है यहाँ पर, जानवर है, आने चूहू के अंदर ये सब मिल जाएगा। बाहर साइड में जो गार्डन साइड है, पार्क साइड है, वहाँ पर आप बैठकर इजीली आप अपने समय पास्ट कर सकते हैं कि नहीं चलो 2-3 घंटे यहाँ बिताना है, थोड़ा शांति सुकून का पल बिताना है, तो आप यहाँ पर इजीली बिता सकते हैं। इसमें तो कोई जानवर नहीं दिख रहे, पर ये लग रहा है कोई ना कोई जानवर यहाँ पर होंगे, उसके लिए बनाया गया है। तो देख सकते हैं लोग धीरे धीरे आना चालू हो गए हैं मॉर्निंग टाइम में। हम बहुत सुबह आए थे, हम तो यहाँ 9 बजे प्रवेश कर गए थे, क्योंकि हम नाइट में होल्ड किए थे। हम यहाँ पर पारुल यूनिवर्सिटी गए थे, कुछ इंक्वायरी करनी थी, वहाँ का भी वीडियो हमने बनाया, बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी थी, इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगता होगा ये वीडियो। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसका आवाज़ हेलो गाइस। अभी हमारे बीच में हमारे मित्र सर्कल है, मैं आपको बता दूँ मित्र क्यों बोलता हूँ, ऑल इंडिया हमारे फ्रेंड्स हैं, अपने हैं, और ये लोग दभोई से हैं, आने राजपिपड़ा साइड जहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी है, बहुत करीब में इनके क्लोज में है, तो ये लोग बड़ौदा है, इनका पेपर था तो देखने आए। मैं इनसे पूछा कि आप क्या देखने आए, तो बोले कि घूमने के लिए आए, हम लोग इसके बारे में सुने थे। तो आप बताना चाहेंगे आकाश भाई कि लोगों के यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? आना चाहिए इधर, कारण के सभी जाति के प्राणी संग्रहालय है इधर। तुम गुजराती में बोल सको? सो बोलो गुजराती में सको, कोई बात नहीं, हम चलेगा हिंदी में, लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है, हिंदी इसलिए कि हिंदी हमारा नेशनल भाषा है, राष्ट्रभाषा है, और हम सबको आना चाहिए ना। हिंदी नहीं है तो फिर क्या है, हम सब हिंदी है, भारत के किसी भी हिस्से में बसते हो
लोकल लैंग्वेज वहाँ का लोकल चीज़ों के लिए होती है, लोकल लोगों से मिलने के लिए, पर हिंदी पूरे भारत को मिलाता है। हाँ। तो आप सब भी बड़ौदा जब भी विजिट करते हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत ही खूबसूरत है सयाजी राव, ये बहुत बड़ा गार्डन है, करीब 100 एकड़ से ज़्यादा ये जगह है। हाँ। पूरा इसमें जंगल में जानवर से लेकर पशु पक्षी और बहुत चीज़ें हैं। तो आप आना चाहते हैं तो आइए और लगभग 2-3 घंटे यहाँ बिताइए। फैमिली के साथ आएंगे तो पूरी फैमिली एंजॉय करेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही अनुकूल माहौल है, ठंडा है, चिल्ड्रन है, और बैठने के लिए यहाँ खाने पीने की भी कई चीज़ें मिल जाएगी, बाहर से भी आप लेके आ सकते हो। नॉर्मल टिकट है, अंदर घूमने का जो गैलरी है जो वहाँ पर, उसके अंदर 100 रुपये टिकट है, और बाकी सब 20 या 25 रुपये ऐसा टिकट है। तो आप लोग बहुत बड़े तौर पर देखिए, फैमिली के साथ भी लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप भी अपने फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रहा, गार्डन के हमने हर हिस्से को दिखाया है इसमें, और म्यूजियम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसमें वीडियो अलाउ नहीं है। तो सयाजी इस गार्डन के अंदर, सयाजी राव गार्डन के अंदर आप आते हो जब भी बड़ौदा आए तो ज़रूर विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत है, माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। सुबह का क्लाइमेट तो अपने आप में बहुत सुंदर होता ही है, तो आप सुबह के समय और शाम ये दो टाइम में आप बहुत ही इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सब इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे हौसले को बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी फ्रेंड सर्कल को भी जोड़ेंगे। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।